दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल है। गुरु तेग बहादुर जेटीबी हॉस्पिटल के अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाश लाए गए हैं। करीब 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। बुधवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने घायल IPS अफसर अमित शर्मा के परिजनों से बात की। इस बीच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब दिल्ली की आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया। डोभाल ने देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। डोभाल पुलिस अधिकारियों के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस को शूट एट साइट का कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 23 फरवरी से CAA को लेकर हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो 25 तारीख यानी मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई इलाकों में पथराव हुआ, आगजनी हुई और हिंसक झड़प भी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।